अभिनंदन करना चाहते हैं ऐसे भागवताचार्य पंडित राम कुमार जी शर्मा, पंडित ऋषिकेश जी तिवारी, पंडित भूपेंद्र महाराज, उनसे भी मेरा आग्रह है कृपया आकर यहाँ व्यासपीठ में विराजमान सुखदेव स्वरूप का स्वागत अभिनंदन करने करें। भाई सनत चौधरी जी और इस संपूर्ण आयोजन में जिसने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किया है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो लगातार इस कार्यक्रम के लिए श्रमदान कर रहा है और भावनात्मक रूप से जिनके हृदय में आज जैसे कि ऐसी अलौकिक आभा प्रस्फुटित हुई कि रात और दिन नहीं देखा जिसने और लगातार काम किया है, ऐसे भाई अवधेश ठाकुर से भी मैं आग्रह करूंगा कि परम श्रद्धे पूज्य साध्वी जी महाराज का अभिनंदन कर आशीर्वाद ग्रहण करें। आज जो ये दिव्य आयोजन है और जिसके लिए आयोजन है, ऐसे हमारे राजपूत परिवार के गोलोकवासी स्वर्गीय ठाकुर रतन सिंह जी एवं मातुश्री स्वर्गीय वेद सिंह जी, इनके स्मृति में इनके मोक्षार्थ ये आयोजन आज हम सबको राजपूत परिवार की ओर से प्राप्त हुआ है। और राजपूत परिवार की ही भाई अशोक राजपूत जी की बहनें यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा यहाँ पधारे और आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती तुलसी ठाकुर, श्रीमती निर्मला ठाकुर, श्रीमती सीता ठाकुर और श्रीमती मीनाश्री ठाकुर, उनसे भी मेरा आग्रह है आशीर्वाद ग्रहण करें। और आखिरी में आप सब की ओर से एक नन्ही बालिका ठाकुर परिवार की, उसको बुला रहा हूँ आशीर्वाद लेने के लिए, नाचने के लिए नहीं, नृत्य करने के लिए नहीं, रुद्रप्रिया सिंह ठाकुर, भाई प्रमोद सिंह चंदेल, हाय सुश्री छाया राही, भाई अशोक सिंह जी राजपूत आज परीक्षित भाव से नियमित रूप से कथा श्रवण करेंगे और जिन्होंने इस संपूर्ण आयोजन ईश्वर ने ऐसी प्रेरणा दी, पूज्य साध्वी जी महाराज की उनकी ऐसी प्रेरणा रही कि आज फिंगेश्वर की इस धर्मधरा में ये विशाल आयोजन हो रहा है। और जैसा लगातार रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे भाई अशोक राजपूत जी फोन किया करते थे कि कैसे संभव है, कैसे होगा इतना विशाल आयोजन, किस तरह से होगा और कैसे संपादित होगा, मैंने इनसे कहा था कि पूज्य साध्वी जी महाराज जिस समय व्यासपीठ में विराजमान हो जाएंगी, और सुबेरे तो ये लग रहा था इनका फोन आया कि लगातार बारिश हो रही है कैसे होगा, मैंने कहा जिस रोज कथा प्रारंभ होगी और पता ही नहीं चलेगा कि कैसी सारी व्यवस्थाएं हो गई, किस तरह से सुगमता से और सरलता से ये सारा काम निपट गया। पूज्य साध्वी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रज्ञा भारती जी महाराज यहाँ विराजमान है और मैंने इनसे ये भी कहा था अशोक राजपूत जी के जो लोग सफर की शुरुआत करते हैं, जो लोग सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं, अरे एक बार सफर का हौसला तो रखो, अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करती है। ऐसा ही व्यक्ति अशोक राजपूत का, आप सब मैं जानता हूं कि जिन लोग आज यहां पर आके अभिनंदन नहीं कर पाए हैं, हम ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे कि आप भावनात्मक रूप से जहां जो भी बैठा है और पूज्य श्री का दर्शन कर रहा है, आप सबकी ओर से यहाँ ये भी बात आई कि यहाँ से कुछ देर के लिए स्वागत संबोधन भी हो, लेकिन चूंकि समय हो चुका है इसलिए आप सबकी ओर से जो लोग संबोधन करने वाले थे उन सब की ओर से हम साध्वी जी को यही विनती करते हैं कि हे साध्वी जी, हे परम सज्जय परम पूज्य प्रज्ञा भारती जी, आज इस धर्म में आप धर्म में इस नभ में आप एक सूर्य की भांति चमक रही है, सूर्य की तरह आलोकित है, जिस तरह से सूर्य की किरणों में कोई भेदभाव नहीं होता,
कोई उसका वतन नहीं होता, कोई गांव, कोई डगर, कोई निश्चित स्थान नहीं होता, कोई महल या कोई झोपड़ी नहीं होती। चाहे वो झोपड़ी हो चाहे महल हो, सूर्य की किरणें बराबर सबको आलोकित करती हैं। ऐसी ही आज प्रज्ञा भारती जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम आप सब की ओर से आग्रह करेंगे कि जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। ये सूरज सदा इस धर्म गगन में आभानमान हो, शोभामान हो, आलोकमान हो, ये हम सब की भावना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम सब फिर से आप सब की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन करते हैं। एक बार फिर से जोर से तालियां हो जाए पूज्य श्री के लिए। और देखिए, हम अपने इस लौकिक व्यवहार को यहीं विश्राम देते हुए आप सबको अलौकिक क्षणों में प्रवेश करने के लिए ले जाते हैं। ये अब ये मंच, ये माइक और ये उद्घोषणा, ये सब पूज्य श्री को हम समर्पित करते हैं। कार्यक्रम के संचालन करता भाई अशोक गांधी से जिस निवेदन है, साध्वी दीदी का स्वागत करें। प्रणव मंत्र का जाप करेंगे। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगला कल्प प्रसून प्लुतम वस्तो प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रत निबधनी विबिलसा गोपी सहस्रावृतम हस्तन यस्तन ताप वर्ग मखिलो दारं किशोर
नमस्कार गणराज को नमन शारदे मां नमस्कार श्री गुरु चरण लाज तुम्हारी हां नमस्कार धरती गगन नमन वायु जल जीव नमस्कार तन मन भी मिलता बड़े नसीब जाके सेवा भाव से ऋणी भय श्री राम उन महावीर हनुमान को बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम सब भक्तों को प्रज्ञा की जय श्री राधेशा जय श्री राधेशा जय श्री राधेशा की ओर पक्षवारन के और पक्षवारे हो मेरे पक्षवारे तो मोर पक्षवारे है और बनवारन के और बनवारे हो मेरे बनवारे मधुबनवारे है और धनवारन के और धनवारे हो मेरे धनवारे तो गोबर धनवारे है इन मधुबनवारे इन वृंदावन बारे पे मोर पक्ष बारे पे गोबर धन वारे पे सारे धन वारे है और धन वारन की और धन वारे हो मेरे धन वारे गोवर धनवारे हैं बोल बाके बिहारी लाल की श्रीमद भागवत महापुराण की फणिकेश्वर नाथ की आदिशक्ति जगदम्बे मैया की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद की भारत माता की जय। देखिए भोजन तो हो गया है और भारत माता की जय कनारा बड़ी जोरदारी से बुलंद होना चाहिए क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है। जरा जोर से पहले एक जयकारा लगाएंगे भारत माता की जय भारत माता की जय। ऐसे काम नहीं चलेगा। जिनके पास एक हाथ है वो एक हाथ उठाएंगे, जिनके पास दो हाथ है दोनों हाथ उठाएंगे, जिनके पास नहीं है नहीं उठाएंगे। भारत माता की जय। सबके पास है। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। भारतीय संस्कृति की जय। भारत भूमि की जय। ना बोलने वालों की जय। वो ज्यादा महान है
परत पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, दया सिंधु करुणा सिंधु, श्री बांके बिहारी लाल के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और इस आयोजन में पधारे सभी विद्वत जन, सभी अतिथिगण और सभी भक्तगण जो दूर दूर से आए हैं और इस आयोजन के प्रेरणा स्रोत परीक्षित हमारे प्रिय अनुज श्री अशोक राजपूत जी और उनकी धर्मपत्नी शीतल जी, उनके समस्त परिवार के सदस्य, वेद रत्न सेवा प्रकल्प के सभी सदस्य, सबके हृदय में विराजित श्री कृष्ण को नमन करती हूँ। आए अपने मन, अपनी वाणी, अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें, क्योंकि अभी मैंने बात की, ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है और पुरुषोत्तम मास 12 मास में सबसे उत्तम है, क्योंकि भगवान ने इसे अपने नाम से सम्मानित किया है। और कहते हैं कि इस मास में किया हुआ पुण्य ऐसे बढ़ता है जैसे हम खेत में बीज बोते हैं, हल चलाते हैं, तो करोड़ों गुना बढ़ता है। इस मास में किया हुआ भगवान का भजन आपके लिए इतना अधिक कल्याणकारी होगा, निश्चित। स्वाभाविक रूप से प्रथम दिन में विलंब हो ही जाता है, लेकिन एक बात कहूं, आज तक मैंने जितनी कथाएं की है उसमें प्रथम दिन पंडाल पूरा कभी नहीं भरा। प्रथम दिन तो ये तो फणिकेश्वर नाथ की विशेष अनुकंपा हो गई आप पर कि आज प्रथम दिन ही आप कथा का लाभ पाने के लिए इतनी भारी संख्या में विराजे हैं। आए अपने मन, अपनी वाणी, अपनी आत्मा को पवित्र करें, 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें, फिर हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। आपको ताली बजाना तो याद रहा, क्योंकि मैंने फिंगेश्वर में मानस कथा की थी, आपको ये तो याद है कि सत्संग में तालियां बजाई जाती हैं, लेकिन कीर्तन गाया भी जाता है। यदि ये मुख ये जिभ्या भगवान ने दी है तो गाइए भी। जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। मैं थोड़ा ऊंचा सुनती हूँ, ये ना सोचे मेरे पास नहीं माइक है, लेकिन आप इतनी भारी संख्या में है, कदाचित कोई बलवा हो जाए फिंगेश्वर के अंदर तो किसी प्रकार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना शोर होगा कि रायपुर तक पहुंच जाएगी आवाज, विधानसभा तक। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो आज तो जगत के सरकार का हमने आह्वान किया है, अब
अभी तो आवाहन किया है, बुलाया है, और वो अपनी कथा सुनने जरूर आता है। ये हम कथा में सुनेंगे आगे, क्योंकि भगवान जब साकेत जाने लगे इस धराधाम को छोड़कर, तो नारद जी ने पूछा, भगवान कहाँ मिलोगे, कोई टेलीफोन नंबर, कोई मोबाइल नंबर कहाँ मिलिएगा? तो उन्होंने कहा है, ना हम वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदय जना, मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं योगियों के हृदय में निवास नहीं करता, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता, मैं साकेत में निवास नहीं करता, लेकिन मेरे भक्त जहाँ मेरा कीर्तन करते हैं, वो भी प्रेम से, जबरदस्ती नहीं, वहाँ निवास करता। तो गाइए प्रेम से और सावधानी से बैठिए। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। सावधानी से बैठने के लिए इसलिए कहा, पता नहीं आपके बगल में ही बैठा और पहचान ना पाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। मैं समझ सकती हूँ, मुख से आवाज नहीं निकल रही होगी, शोभा यात्रा में चल करके आए ना, थकान लग रही होगी, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि मुझको मुझको तो फकत कदमों की ही धूल चाहिए, और चरणों में चढ़ चुका है वही फूल चाहिए, और तकलीफ उठाने से मिल जाए अगर तू, तो बस वही जख्म और बबूल चाहिए। थोड़ी सी तकलीफ उठाने से प्रभु का अनुग्रह प्राप्त हो, तो ऐसी तकलीफें हर दिन गवारा है। गाइए एक बार जोर से। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम, राधे जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। बोले भागवत महापुराण की जय। बोले यज्ञ भगवान की जय। महंत श्री प्रज्ञा भारती दीदी जी महाराज की जय। बड़े आश्चर्य की बात है कि हम 21वीं सदी में बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं। इससे बड़ी अनुकंपा, इससे बड़ा अनुग्रह और कुछ हो ही नहीं सकता। अभी जो उद्घोषणा कर रहे थे वो कह रहे थे कि हमारे जब भाग्यों का उदय होता है, वास्तव में जन्म जन्मांतरों के, युग युगांतरों के और कल्प कल्पांतरों के पुण्यों का उदय होता है, तब कहीं जाकर के हमें कथा सुनने को मिलती है। और कथा कब सुनने मिलती है? जब हम पर भगवान की अनुग्रह होता, भगवान का अनुग्रह जब हमारे ऊपर होगा तभी कथा सुनने मिलेगी। और अनुग्रह कब प्राप्त होगा उसके लिए दो तीन बातों की आवश्यकता है। सबसे पहला होता है संकल्प। ये संकल्प आज जो इस कथा का आप विस्तृत स्वरूप देख रहे हैं, ये संकल्प अशोक जी राजपूत ने, जब मैं फिंगेश्वर आई थी कथा में, तभी संकल्प लिया था। और संकल्प बस यही नहीं लिया कि हमें कथा सुननी है, ये जरूर संकल्प लिया कि दीदी माता पिता के प्रति पुत्र का कुछ दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, उसे पूरा करना चाहता हूँ। तो केवल मुझे ही कथा नहीं सुननी, मैं पूरे गांव को कथा सुनने के लिए बुलाना चाहता हूँ। तो ऐसा शुभ संकल्प लिया, और शुभ संकल्प था तो संकल्प लेकर बैठ नहीं गए घर में। संकल्प के साथ दूसरी आवश्यकता होती है परिश्रम। तन मन धन, तीनों से परिश्रम करना। और तीनों आज ये भव्य स्वरूप इस आयोजन का जो दिख रहा है, इतनी अथक प्रयत्न सबने मिलकर के किया, सबने साथ दिया, पूरे गांव ने मिलकर के इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जो अपना भाव प्रस्तुत किया, अभिभूत हूँ। और आज तो परमात्मा भी प्रसन्न है। और ये दोनों चीजें भी हो, लेकिन कहते हैं जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हम कथा नहीं सुन सकते। तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा हुई तब आज हम यहाँ कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। जिस प्रकार कमल खिलता है, कमल कब खिलता है? जब भगवान भास्कर अपनी आरुषि का वर्षण करते हैं तब कमल खिलता है। सब सूर्य से प्रकाश लेते हैं लेकिन कमल सूर्य से विकास लेता है। सरोवर के मध्य संपूर्ण रात्रि वह विकुचित कमल प्रतीक्षा करता रहता है कि कब भगवान भास्कर उदित हो और मैं खिलूं। और जब भगवान भास्कर अपनी आरुषि का वर्षण करते हैं तो वह विकुचित कमल खिल जाता है। और जो उसके भीतर मकरंद उसके गर्भ में अवस्थित रहता है वो उच्छलित होकर कमल की पंखुड़ियों पर अवस्थित हो जाता है बिंदु रूप में। और पवन देव उसे वातावरण में व्याप्त करके भौरों को सूचना दे देते हैं कि कमल खिल गया। भौरे भी अपने नीड़ों का परित्याग करके गुंजायमान होते हुए उस कमल पर आकर के विराजमान हो जाते हैं और रसपान करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे भाग्य का कमल भी तब खिलता है
जब क्षितिज पर राधा कृष्ण की कृपा रूपी सूर्योदय होता है, तो आज हमारे भाग्य का कमल खिल गया। इतना सुंदर अवसर, एक तो पुरुषोत्तम मास और दूसरा हमारा देश उस महापुरुष की जिस पर हमें गर्व है, स्वामी विवेकानंद जी, उनकी 150वीं जयंती पूरा देश मना रहा हो, ऐसे समय में ऐसे आयोजनों का महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। वो महापुरुष जिसने हमारी भारतीय संस्कृति का प्रचार विदेशों में जाकर के किया, और उसका परिणाम कि आज लाखों विदेशी, लाखों विदर्भी सनातन धर्म रूपेण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज ऐसे आयोजनों का महत्व और अधिक क्यों है? क्योंकि जिस प्रकार व्यापार के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीयकरण हुआ है, बहुत सी कंपनियां, बहुत सी उद्योग हमारे हिंदुस्तान के भीतर आ गए हैं, बहुराष्ट्रीयकरण हो गया है व्यापार का, उसी प्रकार धर्म का भी बहुराष्ट्रीयकरण होता जा रहा है। अनेकों धर्म समाहित हो गए हैं हमारे देश में आकर के। समन्वय अच्छी बात है, समन्वय हम भी चाहते हैं, समन्वय होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं, किसी ने पूछा कि संपूर्ण विश्व भगवान का घर है, लेकिन भगवान भारत वर्ष में ही जन्म क्यों लेता है? प्रभु भारत देश में ही क्यों जन्म लेते हैं? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि पूरा विश्व भगवान का घर है, लेकिन भारत भगवान का ड्राइंग रूम है। बोलो जय श्री कृष्ण। और किसी व्यक्ति को मिलना होता है किसी से, तो अपने ड्राइंग रूम में मिलता है, और ड्राइंग रूम बहुत सुंदर होता है। तो भारत ही एकमात्र देश है जहां पर प्रकृति परिपूर्ण है, जहां 6 ऋतुएं होती हैं, जहां की संस्कृति अपूर्व है। किसी कवि ने कहा है, यहां संस्कृति अपूर्व अशेषनी है, यहाँ की प्रकृति वरवेशनी है, यहाँ पर केन चंबल खेत सींचे, जहाँ पर नर्मदा जीवन उलीचे, यहाँ पर सतपुड़ा आकाश तक है, यहाँ साहित्य क्या है अमर रस है, किसी से कालिदास कहा कि बस है, कि जिसका नाम भारत देश है रे, प्रभु का घर है भरत का देश है रे, जिसका नाम भारत देश है। ये भगवान का ड्राइंग रूम है। भगवान को जब किसी से मिलना होता है, दिखना होता है, तो भारत देश में अवतार लेते हैं। ऐसी संस्कृति, सारी संस्कृतियां अनेकता में एकता इस देश की विशेषता है। लेकिन समन्वय होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए दो पवित्र आत्माओं का, समन्वय होना चाहिए गंगा और यमुना का, समन्वय होना चाहिए आत्मा और परमात्मा का, लेकिन गंगा और गटर का समन्वय नहीं होना चाहिए। गंगा गटर में जाकर के मिलेगी तो गंगा दूषित हो जाएगी, और आज वही हो रहा है। हम अपने मूल सनातन धर्म से, मूल संस्कृति से हटते जा रहे हैं, तो ऐसे समय में ऐसे आयोजनों का महत्व बढ़ जाया करता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत को कहा है भागवत संहिता,
श्रीमद् भागवत के पहले इसे भागवत संहिता कहा है और संहिता का अर्थ होता है जिसमें सबका हित निहित हो। संहिता हमारी भारतीय संस्कृति तो सबका हित चाहती है, तभी तो हमारे ऋषि कहा करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, सब सुखी हो सब निरोगी हो। हम ये नहीं कहते कि भारत वर्ष का कल्याण हो, हम ये कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हम ये नहीं कहते भारतवासियों की जय हो, हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो। कितना सुंदर विचारधारा इस संस्कृति की। हम ये भी नहीं कहते कि जो मूर्ति पूजा का विरोध करे उसका सिर कलम कर दो, बल्कि हम ये कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। हमारी भारतीय संस्कृति सबका हित चाहती है। हम अल्पसंख्यक की तो बात ही नहीं करते, कितना विशाल हृदय हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का। हम ये नहीं कहते कि हमारा भगवान सातवें आसमान पर रहता है और भक्तों की रक्षा के लिए पैगंबर और हुरे भेजा करता है, बल्कि हम ये कहते हैं कि तुलसी या संसार में सबसे मिली उधाए और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हम सबका हित चाहते हैं, हम किसी का अहित नहीं चाहते। हमारे ऋषि सिखा करके गए हैं अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा का तात्पर्य यह नहीं कि कोई तुम्हें मारने के लिए आए और तुम बैठ करके ये कहो कि वही महावीर स्वामी सिखा करके गए हैं, बुद्ध सिखा करके गए हैं, माला ले लो अहिंसा परमो धर्म, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अहिंसा परमो धर्म अर्थात अत्याचारियों की हिंसा, अहिंसा अत्याचारियों की हिंसा। हमारी संस्कृति ये नहीं सिखाती कि जो तो को कांटा बोवे ताही बोवे तो फूल। अब थोड़ा बदलना पड़ेगा कि जो तो को कांटा बोवे ताही बोवे तो भाला, और वो मूरख क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। अत्याचारियों की हिंसा, क्योंकि इसी कारण से परमात्मा हमारे देश में जन्म लेता है। अत्याचारियों की हिंसा, वैदिक की हिंसा, हिंसा न भवति। मैं उस हिंसा की बात नहीं कर रही हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय। हमारे देश में परमात्मा अत्याचारियों को मारने के लिए ही जन्म लेता है। ये विषय है भागवत का, यह सिखाती है भागवत की कथा। भागवत संहिता सबके लिए हितकारी है, यह भागवत की कथा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यह भागवत है क्या, थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रथम दिन आवश्यक होता है कि हम भागवत के विषय में जाने। श्री मद भागवत, श्री आने होता है राधा जी, और श्री पर व्याख्या की जाए तो सात दिन प्रवचन के लिए कम पड़ जाएं, और मद याने तो आप समझते हैं, मद का अर्थ होता है एडिक्शन, व्यसन, काम का मद, क्रोध का मद, मोह का मद, लोभ का मद, मत्सर, ये मद है। और ये मद व्यक्ति में रहते हैं, लेकिन श्री जी का मद, राधे जी का मद क्या है, भागवत। राधा रानी का व्यवहार है भागवत। काम का मद, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। आज हमारे पास ये है, हमारे पास वो क्यों नहीं है, वो होना चाहिए। किसी प्रकार की कामना न रखो, ये सिखाती है भागवत। क्रोध, क्रोध तो कभी करना ही नहीं चाहिए। कामात क्रोधो विजायते, जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। नारद जी को देखो,
मन में कामना आ गई, इतने बड़े भजनानंदी नारद जी, मन में कामना आ गई कि राजकुमारी बहुत सुंदर है, इससे मेरा विवाह हो जाए। जैसे ही मन में कामना आई और भगवान ने वो कामना पूरी करने में व्यवधान किया, तो भगवान पर ही नारद जी ने क्रोध कर दिया। कामा क्रोधो विजायते, काम से क्रोध का जन्म हो गया और भगवान को भी श्राप दे डाला। नारद श्राप दीन एक बारा, भगवान को श्राप दे दिया नारद जी ने कि परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई भावे मने करो तुम सोई, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है ना, तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए जो चाहे करते हो, लेकिन आज तुम्हारा पाला नारद के साथ पड़ा है और मैं भी तुम्हें श्राप देता। श्राप दे दिया भगवान को। तो कामात क्रोधो विजायते, क्रोध नहीं करो। और अक्सर लोग क्रोध करते हैं ना अपने से नीचे वाले के ऊपर, बॉस ने डांटा, दफ्तर में बॉस ने डांटा, तुम नॉनसेंस हो, यस सर, सर झुका करके स्वीकार कर रहे हैं, तुम गधे हो, यस सर, तुम बेवकूफ हो, हाँ सर। घर आए, अब बॉस को तो कह नहीं सकते, घर आए और पत्नी ने बहुत प्यार से पूछा, आप चाय लेंगे? तो सारा गुस्सा पत्नी के ऊपर उतार दिया, धर दो तेरी चाय। अब पत्नी भी बेचारी बोली, इतने प्रेम से पूछा और डांट दिया, तो वो भी चुपचाप चाय लेकर के अंदर गई। और जब अंदर गई तो बेटा बेटी जो छोटे छोटे से, जिन्हें अभी थोड़ी देर पहले प्यार कर रही थी, तो बच्चों ने कहा, माँ हमें खाना दे दो, चुप करो अभी। अब बच्चों को डांट दिया। अब बच्चे सोच रहे, अभी अभी माँ को क्या हो गया, अभी अभी तो माँ इतना प्यार कर रही थी, तुम मेरे राजा बेटा और अभी अभी डांट रही। तो बच्चों को भी गुस्सा आया, वो जो हाथ में गुड़िया लिए थे, बाकी गर्दन दबा दी, जोर से फेंकी गुड़िया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगर, क्रोध का हस्तांतरण हो रहा है। उनने उन पे क्रोध किया, उनने उन पे क्रोध किया, उनने उन पे क्रोध किया। क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो और बुद्धि नाशात प्रणश्य। तो क्रोध नहीं करना, किसी प्रकार की कामना नहीं करना, क्रोध नहीं करना, मोह नहीं करना और लोभ भी नहीं करना, और मत्सर तो बिल्कुल करना ही नहीं, क्योंकि जो मत्सर करेगा वो कभी भागवत की कथा सुन ही नहीं सकता। अरे बताओ, ये आज तक किसी ने ऐसी कथा नहीं कराई, ये क्या हो गया अशोक भाई को? बताओ, हम इतने सब कुछ सामर्थ्यवान होने के बाद हम आज तक नहीं कर पाए, ये अशोक भाई ने कैसे कर लिया? हो गया मत्सर? कथा में आए, अरे बताओ, मैं ऐसी साड़ी पहन करके आई हूँ, ये ऐसी साड़ी पहन करके आई, बताओ, ये पीछे बैठना था तो आगे बैठी है, हो गया मत्सर? तो जो मत्सर करेगा उसके मन में, उसके दिल में कभी कथा उतर ही नहीं सकती। तो भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि कहा है कि अल पतंग गजमीन मृग, अल पतंग गजमीन मृग, एक एक मद दीन, ये नर में पांचों लखे तो क्यों ना होए मतिहीन। ये पांचों मद जब व्यक्ति में होंगे तो मतिहीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता, मतिहीन तो होगा ही। इसलिए प्रार्थना करो कि हमें ये पांचों मद ना हो, और मद हो तो भागवत का मद हो, मद चढ़े तो भागवत का मद चढ़े। लेकिन हम
अपने मद में भूल जाते हैं, कोई ना कोई मद हम पर सवार हो जाता है। और हाथी को देखो, जब मद चढ़ता है तो वो भी पागल हो जाता है, कैसा अकड़ के चलता है। हाथी को बांध दिया जाए तो वो रस्सी को नहीं तोड़ता, उस पेड़ को ही अहंकार के कारण उखाड़ करके फेंकना चाहता है मत। तो हम भी वही है हाथी, हाथी क्या मतलब हाथी का, हाथी। हम भूत में ही जीते रहते हैं, हमारे पास गाड़ी थी, हमारे पास बंगला था, हमारी ये रेपुटेशन थी, थी थी हाथी, ये थी वो थी। और हाथी हाथी के चक्कर में हम अपना वर्तमान बिगाड़ लेते हैं। एक पति भोजन करने के लिए बैठे, पत्नी नमक डालना भूल गई, पति ने थाली उठा करके फेंक दी। दूसरे दिन पुनः पति भोजन करने बैठे, लेकिन आज पत्नी ने बहुत सुंदर भोजन बनाया और सुंदर सुंदर पकवान बना करके पूरे परिवार को पहले खिला करके देख लिया। सबने बड़ी प्रशंसा की, अरे वाह, आज तो तुमने बहुत सुंदर भोजन बनाया, आज तो तुमने बड़ा अच्छा भोजन बनाया, बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया। अब आखिरी में आए पतिदेव और बड़ी उत्सुकता के साथ पतिदेव के सामने थाली लेकर के बैठी। पतिदेव ने जैसे ही ग्रास मुख में डाला और उठा करके थाली फेंक दी। अब तो पत्नी सोच रही है कि समझ में नहीं आता कि आखिर आज क्यों थाली फेंकी। तो पूछ बैठी, देखो जी, आज तो मैंने सब पूरे परिवार को भोजन कराया है, सबने बड़ी तारीफ की, लेकिन आपने थाली फेंक दी। बोले, मैंने थाली इसीलिए फेंक दी कि कल तने ऐसा भोजन क्यों नहीं बनाया। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो उस कल के चक्कर में आज का जो रस था वो भी प्राप्त नहीं हुआ। तो जो कल हुआ उसे छोड़ो, जो आज है उसे समझो, और जो कल हमारे साथ हुआ है उसे हमें समझना चाहिए, क्योंकि अतीत ही भविष्य के लिए दर्पण की तरह होता है। हमारे साथ अतीत में क्या हुआ, हमारे धर्म के साथ अतीत में क्या हुआ, हमारे देश को किस तरह से गुलाम बनाया गया, ये सब हमें जानकारी होनी चाहिए। और कोशिश करेंगे कि हम कथा में धीरे धीरे ऐसी चर्चा करते जाएं और कथा भी करते जाएं। तो ये श्री जी का मद है भागवत। एक सेठ कमा कमा करके अमूल्य हीरे जवाहरात अपनी सेठानी को देता, सेठानी उसे तिजोरी में बंद करके रख देती। एक दिन सेठानी बावली हो गई और बावली होकर सेठानी ने तिजोरी खोल दी और तिजोरी से सारे जो धन इकट्ठा किया था वो लुटाना शुरू कर दिया। तो जो मजदूर थे, जो गरीब थे, उन्हें भी प्राप्त हो गया वह धन। ऐसे ही श्री कृष्ण है परम सेठ और राधा रानी है सेठानी। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो परम सेठ श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं का, अपनी परम लीलाओं का अमूल्य धन इकट्ठा करके राधे रानी को दिया। राधे रानी ने उसे अपनी हृदय की तिजोरी में बंद कर लिया और एक दिन कृष्ण के प्रेम में उन्मादनी होकर, एक दिन कृष्ण के प्रेम में बावली होकर अपनी कृपा की अट्टालिका पे चढ़कर राधे रानी ने उस अमूल्य लीला रूपी धन को लुटाना आरंभ कर दिया। तो राधे रानी से मिला गोपियों को और गोपियों से मिला गोपों को, गोपों से मिला ब्रजवासियों को, ब्रजवासियों से मिला साधु संतों को, साधु संतों से मिला इस देश में हम जैसे अपात्रों को। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो भगवान का यह लीला रूपी खजाना है जिसे सुन सुनकर ही हम आनंदित होते हैं। तो यह है श्री जी का मद भागवत। तो प्रभु से प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण, हम पर ये पांचों मद ना चढ़े, और मद चढ़े तो भागवत का मद चढ़े। भागवत क्या है? भा से होता है भक्ति, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए। जब तक हम पर ये मद रहेंगे हम भक्ति कर ही नहीं सकते, क्योंकि कामी
क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए और भक्ति करे कोई सूरमा जात वरन कुल खोए। जय श्री कृष्ण। भक्ति करो, मंदिर जाना भक्ति नहीं है, कथा सुनना भी भक्ति नहीं है, भगवान को सुंदर सी माला चढ़ाना भी भक्ति नहीं है। ये भक्ति के कृत्य हैं, भक्ति के आयोजन हैं। आप सुंदर माला लेकर के जा रहे हैं मंदिर में, भगवान भी प्रसन्न है, अरे वाह कितना सुंदर आया है, इसका भाव भी कितना सुंदर होगा, कितनी सुंदर सी माला लेकर के आया है। लेकिन जैसे ही माला पास आई और भगवान के नजदीक आया, माला भगवान को चढ़ाई और अपनी कामना जो मन में थी उसे कह दिया, तो भगवान भी चक्कर में पड़ गए, बोले ये देखो। तो ये माला चढ़ाना, भोग लगाना, कथा सुनना, कीर्तन करना, ये खाली लिफाफा है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये तो खाली लिफाफा है जिसमें तुम्हें अपना प्रेम भर करके भगवान को चढ़ाना है। भगवान को भोग लगाने के लिए गए हैं बजरंग बली पास कर देना, 5 रुपए का लड्डू चढ़ाया पास कर देना, भगवान बजरंग बली 5-5 रुपए में पास करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे बजरंग बली से मांगना है तो बुद्धि मांगो, शक्ति मांगो, धैर्य मांगो, ज्ञान मांगो। भगवान को भी रिश्वत देखते, आजकल तो मंदिरों की भी चॉइस हो गई है। अर्जी वाले हनुमान जी, सिद्धि विनायक, अर्जी वाले हनुमान जी के पास चले जा रहे हैं मंगलवार के दिन, उठाई गाड़ी मंगलवार के दिन 10 किलोमीटर चले जा रहे हैं, क्योंकि अर्जी वाले हनुमान जी रास्ते में 10 हनुमान मंदिर पड़ रहे हैं। चॉइस है मंदिरों की, और कह रहे फिर हम भक्ति कर रहे हैं, तो ये भक्ति नहीं है, यह भक्ति के कृत्य है। भक्ति भक्ति तो मीरा ने की, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। हम जाते हैं मंदिर में, पूरा खानदान साथ में लेकर के जाते हैं, ये कर दो वो कर दो, 10 रुपए का नरियल चढ़ा करके 10 लाख रुपए की डीलिंग करके आ जाएंगे भगवान से। मानो हम कहना चाहते हैं देखो भगवान, हमें तुम्हारे ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है, लेकिन हाँ तुम हमारे ऊपर जरूर विश्वास रखो कि यदि तुम हमारा ये काम बना दोगे तो हम तुम्हारे मंदिर में ये कर देंगे। तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति करो, निष्काम भक्ति करो, प्रेम करो, निष्काम करो प्रेम। प्रेम भी जो परिवार के लोग करते हैं ना, वो कामना पूर्ण प्रेम है, वो सच्चा प्रेम नहीं है। कामना पूर्ण प्रेम मत करो भगवान से, और कामना करोगे तो वो सच्ची भक्ति नहीं कहलाएगी। भा से होता है भक्ति और गा से होता है ज्ञान। अब ज्ञान कौन सा ज्ञान? जो स्कूल में पढ़ता है वो ज्ञान नहीं है, जो वेद पढ़ते हैं वो ज्ञानी नहीं है, जो शास्त्र पढ़ते हैं वो ज्ञानी नहीं है। वरना हमारे कबीर दास जी ये लिख करके नहीं जाते कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुबा पंडित भयान कोई, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। स्कूलों में विद्यालयों में जो पढ़ाया जाता है वो ज्ञान नहीं है, वो सूचना है। 2 और 2 4 होता है ये ज्ञान नहीं है, ये सूचना है। इतिहास पढ़ाया जा रहा है ये ज्ञान नहीं है, सूचना है। साइंस पढ़ाया जा रहा है ये ज्ञान नहीं है, सूचना है। तो फिर ज्ञान क्या है? ज्ञान यह है कि तुम जान जाओ तुम कौन हो, यह है ज्ञान।
भगवान कौन है तुम जान जाओ ये भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि भगवान को बुद्धि के द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता। भगवान कौन है ये जानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान तुम्हारी बुद्धि में आ ही नहीं सकते, और कदाचित भगवान तुम्हारी बुद्धि में आ जाए तो भगवान तुमसे छोटे छोटे हो गए कि नहीं, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो भगवान को ज्ञान से नहीं पकड़ा जा सकता, भगवान को बुद्धि से नहीं पकड़ा जा सकता, भगवान को तो प्रेम से पकड़ा जा सकता। तो अब किस ज्ञान की बात करता है भागवत, कि तुम जान जाओ तुम कौन हो। जब भरी सभा में रावण बैठा है और हनुमान जी सीता की खोज करते हुए लंका में आए, तो रावण बड़े विस्मय में पड़ गया कि समझ में नहीं आता, ये साधारण बंदर तो लगता नहीं है, क्योंकि साधारण बंदर तो बड़े उत्पाती होते हैं, बंदर तो बड़े उछल कूद करते हैं, बंदर तो बड़े अपवित्र होते हैं, छतों पर बैठ करके एक दूसरे के जुए बीन करके ऐसे खाते हैं जैसे इलायची खा रहे हो, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो बोले ये तो अपवित्र नहीं, ये तो बड़ा पवित्र बानर है, और बंदर तो मूर्ख होते हैं, लेकिन ये तो ज्ञानी नामाग्रवण्यम जितेंद्रियम बुद्धिवताम बलिष्ठम, ये तो बड़ा ज्ञानी है, फिर ये कौन हो सकता है। रावण को उत्सुकता हुई, कहते कपे, जोर से चिल्ला करके बोला, रावण ए बानर तू अपना परिचय दे, तू कौन है। तो हनुमान जी भी चक्कर में पड़ गए, मैं कौन हूं, मैं अंजनेय, नहीं नहीं इससे भी बढ़ के मैं कुछ हूं, मैं पवनसुत, नहीं नहीं फिर मैं क्या हूं, हनुमान, नहीं नहीं। हनुमान जी चक्कर में पड़ गए कि आज रावण ने ये कौन सा प्रश्न पूछा, मैं कौन हूं, अरे यदि ये पूछता कि श्री राम जी कौन है तो 9 दिन कथा सुना देता इसको दिन रात कि श्री राम जी कौन है, लेकिन मैं इसको क्या बताऊं कि मैं कौन हूं, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं मालूम मैं कौन हूं। तभी कहते हैं जो चूड़ा मणि हनुमान जी के हाथ में थी, उस चूड़ा मणि के एक मणि में जानकी जी ने दर्शन दिया हनुमान जी को और प्रबोध दिया, ज्ञान कराया कि तुम कौन हो। तो जोर से चीख पड़े हनुमान जी और बोले ए रावण सुन, तो पूछ रहा था ना मैं कौन हूं, दासोहम कौशलेंद्रेय, हम राम के दास हैं, हम भगवान श्री राम के दास हैं रावण। तो रावण जोर से हंसा और कहता है अरे मैं तो सोचता था तू कहीं का राजा होगा, तू किसी देश का राजा होगा, तू बड़ा सेठ होगा, लेकिन तू तो नौकर निकला, तू तो दास निकला, तू तो राम का दास निकला। तो हनुमान जी भी कह रहे हैं हे रावण सुन, मैं तो अपने राम का दास हूं, लेकिन तू अपनी ओर देख, अपनी तरफ झांक करके देख रावण, तू काम का दास है, तू क्रोध का दास है, तू मोह का दास है, तू लोभ का दास है, अरे मैं तो अपने राम का दास हूं। तो ये विषय है भागवत का, भा से भक्ति और गा से ज्ञान, तुम्हें ज्ञान हो जाएगी तुम कौन हो, और वा से होता है वैराग्य। अब वैराग्य का ये मतलब नहीं है कि भगवा वस्त्र धारण करो और चले जाओ वन में, तो अब वन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वन में तुम्हें कोई साधु संत नहीं मिलेंगे, साधु संत तो सब चले गए ऐसे में, अब तो वन में रहते हैं आतंकवादी नक्सली, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो वन में नहीं जाना है, और कदाचित वन में जाओगे भी तो क्या होगा, कि मन के मारे बन गए,
बन तज बस्ती माही, कबीरा यह मन लालची ये कहूँ ठहरत नाही। यह तो गति है अटपटी और झटपट लखे न कोई, जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। ये मन ही मन का बाधक, मन ही मन का बोधक, मन ही मन का द्योतक और मन ही मन का साधक। तो विरक्त हो जाओ, विरक्त का तात्पर्य क्या है? सच्चा त्याग कबीर का जो दिल से दिया उतार। क्या त्यागने के लिए कहते हैं? मत त्यागो घर को, मत त्यागो अपने बीवी बच्चों को, लेकिन क्या त्याग दो? तजोरे मन हरि बिमुखन को संग। कोई तुम्हें बहुत प्यार करता हो, तुम्हारा बहुत स्वागत करता हो, तुम्हें मालाएं पहनाता हो, लेकिन यदि उसका साथ प्रभु के चरणों से दूर ले जाता हो तो उसका त्याग कर दो। लेकिन यदि कोई महात्मा, कोई सत्पुरुष, कोई महापुरुष तुम्हें 100 गालियां भी सुनाए और उसे देखकर यदि तुम्हें भगवान की याद आ जाए, यदि उसे देख करके तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो जाए तो उसका संग करो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जैसे भरत ने अपनी माँ का परित्याग कर दिया, जैसे प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, जैसे मीरा ने अपने संबंधियों का त्याग कर दिया। और कैसे त्यागना है तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े अच्छे से समझाते हैं कि तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम। कैसे त्यागना है? जैसे ये हमारे जन्म जन्मों का शत्रु हो ऐसा मान करके उसका परित्याग कर दो। यद्यपि परम स्नेही, चाहे वह तुम्हारा कितना ही प्रिय क्यों ना हो। तो भासे भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। यह श्रीमद् भागवत की जो कथा है, अनुष्ठान है, वो ये प्रेरणा देता है। अब आए हम इस प्रेरणा को साकार करते हुए, यही विषय है श्रीमद् भागवत की कथा का। अब आए हम नैमिषारण्य तीर्थ की ओर चले, जहाँ 88,000 ऋषि बैठे हैं और सूत जी महाराज का आगमन होता है। ये सूत जी महाराज महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य हैं, अवस्था में छोटे हैं, मात्र 16 वर्षों की अवस्था है। नैमिषारण्य तीर्थ की ओर चलें, उन ऋषियों को प्रणाम करें। उससे पहले आंख बंद करके हम भगवान के उस मंगलमय स्वरूप का भी ध्यान करें, और जब तक इस पंडाल में बैठे तब तक हमें अन्य कहीं की बातें नहीं सोचनी है, क्योंकि हजारों हजारों जन्मों की मेहनत ने रंग लाया है, तब जाके हमने मनुष्य तन पाया है। अरे निगल रहा हमें महाकाल का जबड़ा, कमाई कुछ तो कर लो, बहुत कुछ गंवाया है। ये सच्ची कमाई करने के लिए हमें ये सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। तो आए हम भगवान के सर्वप्रथम मंगलमय स्वरूप का ध्यान करेंगे, उसके बाद नैमिषारण्य तीर्थ में चलकर के बैठेंगे और भागवत की कथा श्रवण करेंगे। आंख बंद करें और भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे, तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः।
भगवान का स्वरूप कैसा है? तो कहा सच्चिदानंद, सत्य चित और आनंद। जो कल भी था, जो आज भी है और कल भी रहेगा, एकमात्र है ईश्वर, सत्य चित। वो स्वयं प्रकाशित है, उसे किसी प्रकार की उधार की रोशनी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और आनंद, आनंद की व्याख्या अनेक प्रकार से विद्वानों ने की है कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, घर में अर्थी पड़ी हो तो बारात बुरी लगती है, और जिंदगी में कितने भी सुख के सामान जुटा लो, गर दिल में गम हो तो हर बात बुरी लगती है। हम कहते हैं हमें अच्छा संगीत सुनने में आनंद आता है, हम कान में ईयरफोन लगा करके संगीत सुन रहे हैं कि तभी मोबाइल आ जाता है, हेलो हाँ सुनो, वो तुम्हारे काका जी शांत हो गए, तुरंत माहौल बदल गया, निकाला कान से संगीत बंद किया। अर्थात संगीत में तो आनंद था ही नहीं, आनंद तो तुम्हारे भीतर था और हम आनंद को बाहर खोजने का प्रयत्न कर रहे। और आनंद मात्र श्री कृष्ण है, क्योंकि हम ये कहते हैं नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की, अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। नंद के घर कृष्ण भयो ऐसा नहीं गाते, अवध में श्री राम भयो ऐसा नहीं गाते, क्या गाते हैं? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अर्थात सत्य भी श्री कृष्ण है, चित्त भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। अब आप कहेंगे ठीक है, सच्चिदानंद है, मान लिया आपकी बात, लेकिन ये करते क्या है? तो कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और विश्व का लय भी करते हैं। जी ओ टी गॉड, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉयर। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। त्रिगुणातीत है, जो थोड़ा सा मुस्कुरा दे तो इस सृष्टि का सृजन हो जाए, थोड़ा सा गंभीर हो जाए तो इस सृष्टि का पालन हो जाए, और भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, जरा सी भ्रकुटी तिरछी कर दे तो इस सृष्टि का लय हो जाए। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे, जैसे ही जीव गर्भ में आता है उसकी व्यवस्था शुरू हो जाती है, गर्भ में आते ही उसकी व्यवस्था शुरू हो जाती है। बच्चा गर्भ से बाहर हो जाता है तो उसके लिए माता के स्तनों में दुग्ध की धारा प्रवाहित हो जाती है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो छोटे छोटे दूध के दांत आ जाते हैं, और बड़ा होता है तो फिर कहते दूध के दांत टूट जाते हैं, और फिर और जब बूढ़ा हो जाता है तो वो दाँत जो हैं वो टूट जाते हैं, क्योंकि जठराग्नि मंद पड़ जाए गई है, यदि कुछ उल्टा सीधा खाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सारा विश्व प्रपंच उसके कारण ही आराम विराम और विश्राम करता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, कहा दीदी जी मान लिया वो सच्चिदानंद रूपाय है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्व के पालन भी करते हैं, लेकिन हम उनकी शरण में जाए क्यों? क्या मिलेगा हमें जाने से उनकी शरण में? तो कहा उनकी शरण में जाने से तीनों प्रकार के तापों का नाश हो जाएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्य
त्रय विनाशाय, उनकी शरण में जाने से तीनों प्रकार के तापों का नाश हो जाएगा, दैहिक दैविक भौतिक। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन से दुखी है, आज किडनी के डॉक्टर के पास जा रहा है तो कल दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहा है, क्या करे, तन ही ठीक नहीं रहता, शरीर ठीक नहीं रहता। और जैसे तैसे शरीर ठीक रहा तो समाज की चिंता हो गई। कल वो चाची रूठ गई, चाची को मनाया तो दादी रूठ गई, दादी को मनाया तो मामी रूठ गई। और जैसे तैसे समाज की समस्या भी ठीक हुई साहब, तो बोले अब देवता नाराज हो गए, देवता टेढ़े हो गए। मंगल की दशा चल रही है, बुध की दशा चल रही है, गुरु की दशा चल रही है, सारे ग्रह टेढ़े देख रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सारे हाथों में अंगूठियां धारण कर ली। मैं ज्योतिष का विरोध नहीं करती, लेकिन मैं कहती हूं कि ज्योतिष की शरण में नहीं जाओ, ज्योतिषी की शरण में नहीं जाओ, अपने आप को ज्योतिर्मय की शरण में ले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सारे ग्रह टेढ़े देख रहे हैं, अरे जब उसकी निगाह टेढ़ी होगी तो ग्रह तो टेढ़े अपने आप हो जाएंगे। जा रहे हैं शनि मंदिर, तेल पे तेल चढ़ाए जा रहे हैं शनि देव को, और शनि देव जी भी चक्कर में पड़े। तो ये भाव नहीं होना चाहिए। विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक, तीन प्रकार के ताप होते हैं। तन से दुखी हैं और तन से ठीक हैं तो साहब मन से दुखी हैं। बड़े बड़े पेट्रोल पंप चल रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, लेकिन क्या करें, पिताजी कह करके गए थे कि बेटा बड़ा हो जाए तो इसका सुंदर विवाह कर देना, अच्छी सी कन्या देख करके। लेकिन क्या करें, बेटा बड़ा हुआ और नौकरानी की बेटी को लेके भाग गया, हो गए मन से दुखी। और कोई धन बिन रहते उदास, किसी के पास धन नहीं है, बाकी सब कुछ है, ढेर सारे खाने वाले हैं लेकिन धन नहीं है। जिसके पास धन है वो मूंग की दाल और रोटी खाता है, डॉक्टर ने मना किया। तो कबीरदास जी सुंदर बात कहते हैं कि कबीरा यह जग निर्धना, कबीरा यह जग निर्धना, धनवंता और धनवंता ते ही जानिए, जाकी राम धन हो। तीनों प्रकार के तापों का नाश हो जिनकी शरण में जाने से। बोले अच्छा, हाँ तब तो हम शरण में जाएंगे। तो पहले गारंटी ले ली, क्या गारंटी ले ली, क्या मिलेगा इनकी शरण में जाने से, कि जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। पहले गारंटी ले ली कि जो ध्यावे कष्ट मिटे तन का और सुख संपत्ति घर आवे। फिर कहा, गारंटी लेने के बाद में कहा, मात पिता तुम मेरे शरण कहूं मैं किसकी, स्वामी शरण कहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, जो बात सबसे पहले कहनी थी
वो सबसे आखिरी में कही कौन से, विषय विकार मिटाओ कि आज का व्यक्ति चमत्कार को नमस्कार करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जिनकी शरण में जाने से हमारे तीनों प्रकार के तापों का नाश हो जाएगा, तब हम कहेंगे श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। नमः अर्थात नमः, और नमः का अर्थ होता है ना मम इति नमः। ना मैं कुछ, ना मेरा कुछ, सब कुछ तेरा, तू ही तू, तू ही तू, तो ही तू। ये भाव जब आ जाए, हम भगवान को नमन करें, भगवान को प्रणाम करें, लेकिन प्रणाम कैसे करें? प्रणाम का भी विधान होता है कि प्रणाम भगवान को करना चाहिए तो दंडवत प्रणाम। पहले हमारी संस्कृति में दंडवत प्रणाम का प्रचलन था, आजकल तो बस झुकना भी नहीं जानते हैं। दंडवत प्रणाम का क्या तात्पर्य है? डंडे को देखा है, डंडे को छोड़ दो तो वो ये नहीं सोचता कि मैं कीचड़ में गिर रहा हूं, गद्दे में गिर रहा हूं, धूल में गिर रहा हूं, बस गिर जाता है। इसलिए हमें जब भगवान के यहां साष्टांग दंडवत करना पड़े तो ऐसे दंडवत करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि पेंट की क्रीस खराब हो रही है, ये नहीं देखना चाहिए साड़ी की क्रीस खराब हो रही है, बस भगवान के चरणों में समर्पित भाव से प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि दंडवत का बड़ा महत्व है। जब भगवान श्री राम गंगा पार जाने के लिए केवट से याचना कर रहे थे, कितनी धृष्टता की केवट ने, आप सबको मालूम है, और मैंने पिछले बार राम कथा में कथा सुनाई भी थी। इतनी धृष्टता की, मांगी नाव ना केवट आना और कहा वो तुम्हार मरम में जाना, ये मूर्ख कह रहा है। राम कथा में आता है लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, लक्ष्मण जी भी जिस मरम को नहीं जान पाए, ये केवट ये मूर्ख कह रहा है एक नाव चलाने वाला कि हे राम हम तुम्हारे मरम को जानते हैं, तुम कौन हो। कितनी दृष्टता की, बार बार राम ने याचना की, बार बार दृष्टता की, और अब तो यहां तक कह दिया कि कहूं एक डर लागे भारी। हे राम मुझे डर लग रहा है लेकिन कहने में कोई संकोच नहीं कि राजा दशरथ के राज्य के सीमा में मेरी नाव चल रही है, और कल राजा दशरथ को मालूम हुआ कि केवट ने मेरे राम को गंगा के पार किया है, तो राजा दशरथ यही करेंगे कहेंगे कि जो केवट नहीं पार लगाते शायद राम लौट घर आते, जो केवट नहीं पार लगाते शायद राम लौट घर आते, याद से घरे जाओ भगवाना और मांगी नाव न केवट आना। हे राम वापस चले जाओ वरना राजा दशरथ मेरे ऊपर क्रोध करेंगे क्योंकि उनके राज्य की सीमा में मेरी नाव चल रही है। और हाँ डरते डरते एक बात और कह दी कि कहूं एक डर लागे भारी। हे राम डर तो लग रहा है लेकिन कहूंगा जरूर कि कहूं एक डर लागे भारी और तुमरे घर में तीन महतारी, और दशरथ तीन तिरिया नहीं करते तो तुम काहे बन बन फिरते, याद से घरे जाओ भगवाना और मांगी नाव ना केवट आना।
लक्ष्मण जी बड़ी देर से ये सुन रहे थे, बोले अभी तक तो भाई से बात कर रहा था ठीक है, लेकिन अब तो मेरे बाप पे भी आ गया। अब तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया केवट के ऊपर कि देखता हूं बच्चों, अभी तक तो तू मेरे भाई से बात कर रहा था, अब मेरे पिताजी की भी बात कर रहा है कि कहूं एक डर लागे भारी, तुम्हारे घर में तीन महतारी और दशरथ तीन तिरिया नहीं करते तो तुम काहे बन बन फिरते। तो दशरथ जी मन में राजा दशरथ के जो पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, लक्ष्मण जी मन ही मन में संकल्प कर रहे हैं कि रुक जा बच्चों, एक बार गंगा पार हो जाने दे फिर तेरी खबर लूंगा। तो निश्चित रूप से केवट भी भांप गया, केवट भांप गया कि ये तो दंड है, रघुपति की कीर्ति रूपी पताका के दंड ही तो है लक्ष्मण जी, और दंड होकर दंडित ना करे ये हो ही नहीं सकता, दंड तो मिलना ही है। तो केवट भी कह रहा है ठीक है तुम डाल तो हम पात पात। जैसे ही भगवान गंगा के पार उतरे केवट ने क्या किया, उतरी ठाणी भय सुर सरी रेता सिय राम गुहल खन समेता। पार हुए केवट ने साष्टांग दंडवत किया भगवान को। भगवान ने पूछा केवट ये क्या कर रहे हो, केवट ने कहा मैं आपको दंडवत कर रहा हूं प्रभु, लेकिन तुम मुझे दंडवत क्यों कर रहे हो। तो केवट तिरछी निगाह से लखनलाल की ओर देख करके कहता है प्रभु मुझे मालूम है कि जो तुम्हें दंडवत कर लेता है उसे कोई दंड नहीं दे सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जो तुम्हें दंडवत कर लेता है, जो तुम्हें प्रणाम कर लेता है उसे कोई दंडित नहीं कर सकता। क्या मतलब, कलिकाल तैयार है दंड देने के लिए। कलिकाल कह रहा है मैं तुम्हें दंडित करूंगा, लेकिन जो वैष्णव भक्त हैं, हमारे फिंगेश्वर के फणिकेश्वर नाथ के भक्त हैं, श्री कृष्ण के भक्त हैं, वो ये कहते हैं तुम लाख दंड दो हम भी बार बार भगवान को दंडवत करते रहेंगे, तुम क्या तुम्हारा बाप भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कि सिर पे डंडा काल का, सिर पे डंडा काल का, और नहीं मुख में नंदलाल, अगर मुख में नंदलाल है तो करे नवा कावाल। इसीलिए कहना है श्री कृष्णाय वयम नमः। एक बार फिर कहिए श्री कृष्णाय वयम नमः। परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करते हुए हम नैमिषारण्य तीर्थ की ओर चले, जहाँ 88,000 ऋषि बैठे हैं। सुत जी का आगमन हुआ, एक से बढ़कर एक ऋषि बैठे हैं, मात्र 16 वर्ष की अवस्था है, सब प्रणाम कर रहे हैं सुत जी महाराज को। सुत जी महाराज कह रहे हैं आप ये क्या कर रहे हैं, कहा आपको हम प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थते बचा ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है, कोई बुद्धि में बड़ा है,
लेकिन वो सबसे बड़ा है जो ज्ञान में बड़ा है। चाहे उम्र छोटी हो लेकिन सब उसे प्रणाम करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बड़े विनम्रता पूर्वक ऋषि प्रणाम करके सुत जी महाराज से कह रहे हैं, अज्ञान ध्वान्त विध्वंस कोटि सूर सम प्रभा सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सुत जी महाराज, आप ज्ञान के करोड़ों सूर्य के समान हैं। आप हमारे जीवन में अंधकार दूर करने की कोशिश कीजिए, हमें ज्ञान दीजिए। और कह रहे हैं, श्री कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाथुना। इस कलि काल में हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कहते हैं, अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और जो सुन करके जाओ उस पर अमल जरूर करना चाहिए, क्योंकि संत महात्मा कहते तो टन भर हैं, हम सुनते भी मन भर हैं, लेकिन जीवन में अपने आचरण में उतारते कण भर भी नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो जो सुने उसे अपने जीवन में हम उतारें, यही कोशिश करनी चाहिए। तो ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, श्री कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। तो सूत जी महाराज तो प्रसन्न हो गए ऋषियों की बात सुन करके, और वे परीक्षा लेने के लिए कह रहे हैं, सुनो हम तुम्हें चिंतामणि दे दें तो, हम तुम्हें कल्प वृक्ष दे दें तो सारे ऋषि उत्तर दे रहे हैं, चिंतामणि लोक सुख सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि हमारी चिंताओं का निवारण कर देगी, कल्प वृक्ष की छाया में बैठ करके हमारे सारे तापों का नाश हो जाएगा। गंगा सिर्फ पाप का, चंद्रमा सिर्फ ताप का, और कल्प वृक्ष सिर्फ अभिशाप का नाश करता है, लेकिन कृष्ण की कथा तो पाप ताप और अभिशाप तीनों का नाश कर देती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो गुरु मान करके सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं शौनकादि ऋषि, और कह रहे हैं, हमें चिंतामणि नहीं चाहिए, हमें कल्प वृक्ष भी नहीं चाहिए, हमें तो ये बताएं कि गोविंद कैसे मिलेगा। सुत जी महाराज तो प्रसन्न हो गए और वे कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। हम काल रूपी ब्याल के मुख का ग्रास बने हुए हैं, सर्प के मुख में मेढक है, लेकिन मेढक के सामने यदि कोई कीड़ा दिखता है तो वो उसे खाने का प्रयत्न करता है, कीड़े के पीछे मेढक पड़ा हुआ है, मेढक के पीछे सर्प पड़ा हुआ है, सर्प के पीछे मोर पड़ा हुआ है, मोर के पीछे शेर पड़ा हुआ है, और शेर के पीछे शिकारी पड़ा हुआ है, और शिकारी के पीछे काल पड़ा हुआ है। जय हो। सब एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन सब अपने अपने विषयों में मन लगाए हैं, मैं इसे खा लूं, मैं इसे खा लूं, सब विषयों का चिंतन कर रहे हैं, विषयों की ओर मन लगा रहे हैं, और काल किसी को नहीं छोड़ता। जय श्री कृष्ण। जब पड़ा गर्भ में उल्टा था तो वादा करके आया था, तुझे याद रखूंगा जीवन भर, यह प्रभु से कह के आया था।
काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, हम काल रूपी ब्याल के मुख का ग्रास बने हुए हैं और विषयों का चिंतन कर रहे हैं। अरे हम ये नहीं जानते कि काल हमें नहीं छोड़ेगा, एक दिन मरना है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि याद रख सिकंदर के हौसले भी आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। कल तलक जो चलते थे अपनी शान और शौकत में, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत में। जिसको अपना कहता है सब ये तेरे साथी है, कब्र है तेरी मंजिल और ये सब बराती है। हाथ बांध के आया लेकिन हाथ पसारे जाएगा। अलेक्जेंडर को सब जानते हैं, कहते हैं जब अलेक्जेंडर विश्व विजय करके वापस लौट रहा था, सारी दुनिया को जीत करके अलेक्जेंडर वापस हो रहा था, तो रास्ते में उसे नाव में खून की उल्टियां होने लगी। अलेक्जेंडर के साथ एक विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषी भी था, पूरा लश्कर साथ में था। ज्योतिषी से अलेक्जेंडर ने कहा कि मुझे बचा लो, तो ज्योतिषी ने कहा तुम केवल दो दिन जीवित रहने वाले हो। अलेक्जेंडर ने कहा देखो मैंने जीवन भर केवल कमाया है और जितना मैंने जीता है, जितना मैंने धन कमाया है, मैं ये सारा धन आज तुम्हें दे देता हूँ, तुम मात्र मुझे दो महीने के लिए जीवित रखो, दो महीने के लिए मुझे जीवन दे दो, ताकि मैं जाकर के अपनी मातृभूमि में जाकर अपने प्राणों का परित्याग कर सकूं। लेकिन ज्योतिषी कह रहा है आप दो महीने की बात कर रहे हैं, यहां तो दो दिन ही आप जीवित रह जाएं यही बड़ी बात है। तो अलेक्जेंडर ने फिर कहा कि अच्छा मेरा अब एक काम कर दो कि जब मैं मर जाऊं और मेरे इस शरीर को दफन करने के लिए ले जाना, तो ताबूत के बाहर मेरे दोनों हाथों को निकाल कर रखना। ज्योतिषी ने कहा क्यों, ऐसा संभव नहीं है महानुभाव, क्योंकि आपके जो आपकी जो परंपरा है उसमें तो ऐसा विधान ही नहीं है कि ताबूत के बाहर आपके दोनों हाथ निकले हो। बोले लेकिन मेरे दोनों हाथ ताबूत के बाहर निकाल देना। क्यों निकाल देना, मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूं कि कल कोई दूसरा अलेक्जेंडर पैदा ना हो। मैं दुनिया वालों को यह बताना चाहता हूं कि देखो दुनिया वालों, मैं अलेक्जेंडर हूं, मैंने सारी दुनिया को जीत लिया है, मैं सारी दुनिया का मालिक हूं आज। लेकिन वो अलेक्जेंडर जिसने सारी दुनिया को जीत लिया, आज भी वह जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। आज काल के बीच में जंगल होगा वास, ऊपर ऊपर हल चले ढोर चरेंगे खास। मृत्यु की सारी सामग्री तैयार है, कफन तैयार है, नया नहीं मंगाना पड़ेगा। जलाने के लिए जगह भी तैयार है, खोजनी नहीं पड़ेगी, रजिस्ट्री नहीं करवानी पड़ेगी। रोने वाले भी तैयार हैं, उठाने वाले भी तैयार हैं, बस चल बसे की खबर सुनाने की तो देर है। तेरी श्वास टूटते ही आधे घंटे के भीतर ये सारी सामग्री जुटा ली जाएगी और एक घंटे के भीतर तेरी अस्थियां बिखर जाएंगी। अरे तेरी अस्थियां बिखरे, तेरी श्वास बंद हो, उससे पहले अपनी आस्था उस परमात्मा के प्रति जगा लेना, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। ये सिखाती है श्रीमद् भागवत की।
काल ब्यालम खग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। लेकिन हम अपने बारे में सोचते ही नहीं, क्या कह कर के आए हैं प्रभु से कहाँ जाना है। लेकिन केवल मेरे 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 तेरे में उलझे रह जाते हैं। तूने राम ना कही रे, तूने राम ना कही